जा रहे हैं अभी दुबई मरीना। या और इन लोग ने पिया है ओर्नामिन सी। Yeah, that is actually a vitamin C drink. नहीं, मैंने पी के रख दिया है। हाँ, तो हमने भी पिया है ना। हाँ, तुमने पिया है और गेल भी किया है। तो वो गेल दोस्त को एक बार देख ले, कर तो। एक एक करके बोलो। अब तू बोल। क्या बोल रहे हैं लोग पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों ऐसा सीन है, आओ दुबई की मौज लेते हैं। तो भाई हम लोग आ गए वापस अजमान सिटी सेंटर घूम फिर के। दुबई से सीधा गाड़ी निकाल लिया, भगाया भगाया 120 130 140 और नाउ ये फाइनली सिटी सेंटर। क्योंकि सबको अलग अलग खाना है, इसको पास्ता खाना है वो भी स्पाइसी, इसको नॉर्मल पास्ता खाना है तो मुझे कुछ भी चलेगा। देखिए फ्रेंच फ्राइज आ गई है, ये वेजी का एक ऑप्शन नया निकला है वो है, ये मैक वेजी बर्गर है, ये मेरा है और ये चॉकलेट मिल्क और ये इसमें एक हर्शीज शेक है और एक किटकैट शेक है और इनके दो पास्ता और ये बहुत सारे केचप और ये मेयोनीज। तो आइए दोस्तों खा लेते हैं। देखिए दोस्तों फिर एक बर्गर और फिर एक बर्गर और फ्राइज फिर एक रेगुलर। देखो मैं खा भी रहा हूँ, वो लाए हैं तो रेट मुझे जा रही है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को दोस्तों। हाय पीपल, 12 बज गए और हम लोग वापस आ गए। वापस आके देखा था और चेंज किया हमने और देखा ये था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इनका खाना खत्म हो गया है, तो बहन और अवनी इनको हेल्प कर रहे हैं और यहाँ देखो हाय जेनी का बूम। तो मम्मी अभी यहाँ बैठी है और जेनिसा का व्लॉग चालू किया था तो मुझे व्लॉग से याद आया कि मैं भी एक व्लॉगर हूँ और मुझे व्लॉग बनाना बाकी है, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। और कुछ चीजें थी जैसे मजा तो बहुत आया दुबई मरीना में। आप लोग भी दोस्तों आइए दुबई, जो भी नहीं आए हैं वो बहुत सुंदर जगह है। और मारामारी देखनी है तो यहाँ भी आइए, ये भी बहुत भयानक मारामारी हो रही है। ओह ये क्या हो, मार्शल आर्ट्स क्या बाहुबली हार गया इंद्र ने मोडू तो मैं अपना अस्त्र निकाल रही थी। जैसे मैंने जैसे नॉर्मल फाइट करते हैं तो मैं नॉर्मल फाइट मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरे पास वो स्वॉर्ड है। हाँ लेकिन उसकी स्वॉर्ड अच्छी थी, तेरी खराब है। ये पता है इतना अस्त्र का क्यों बोल रही है, क्योंकि ये फिर ब्रह्मास्त्र देखने जाने वाली है और ये सब का वो स्पॉइल कर रही है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि मॉम डैड भी जाने वाले हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मुश्किल से माने हैं और मम्मी तो फिर भी ठीक, पिताजी मान गए वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं तो बहुत इजीली मान गई थी क्योंकि ये मेरा ही आइडिया था। और मैं भी मान गई क्योंकि बहन जा रहा है तो मैं तो फ्री में होती हूँ, ये कहीं भी मेरे को अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी बार जाने वाली, दूसरी बार मैं दूसरी बार मूवी देखे जाने वाली। मैं पक चुकी हूँ दोस्तों, मैं पक चुकी हूँ लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता है। इनर ब्लीडिंग, इनर काम छे बो वालो, काम तो इनको बहुत है। देखो ये ऐसे कोई काम करता है क्या? तो ये दोस्तों अभी ये बर्तन मांझेगी यहाँ पे और वो तू क्या कर रही है? चाय पत्ती निकाल रही हूँ। सब पागल है,
कोई ढंग का ही नहीं है, सब पागल है दोस्तों। और यहाँ मम्मी का स्थान चेंज हो गया है, तो फाइनली जब तक वो लोग सब काम कर लेते हैं तब तक तू फिर आ गई। सब पागल है, कोई ढंग का ही नहीं है, मतलब क्या है? क्या समझाया अपने आप को तू? आई वाज जस्ट जोकिंग ब्रो। क्या समझाया अपने आप को तू? अपने आप को तो मैं हीरो समझू भाई। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ये बहन तो बोलती रहती है। मेरे पास कुछ है। हाँ चलो, ये गिफ्ट का भी तू बोल रही थी तो दोस्तों बहन कुछ लाई है, तू ही लाई है ना? हाँ, तो बहन कुछ लाई है अवनी के लिए लाई है। Yes. तो मैं ही बोलूं कि तू बताएगी सब? तो कैमरा मेरी तरफ करेगा तो मैं बताऊंगी ना, तू बोलते रहेगा बोलते रहेगा बोलते रहेगा, तुम्हें क्या करूं? हाँ तो चलो अभी तू दिखा दे। देखिए दोस्तों स्टॉल खोल दिया है हमने नया। ये बहन लाई है ऐसा? हाँ, भाभी को ऐसा कच्ची वर्क वाला चाहिए था, तो ये नेकलेस का नेक पीस है, ये हाथ के है, ये पैर के है, ये कमरबंद है, ये ब्लाउज है और ये कोटी है। नरेश कनौड़िया वाली? Yes. Wait. Yeah, only this wait. Wow. Yeah, hello. What's that? Nareskanoria bola to daya bina ke. Yeah, guess this is lamba, piche se short hai. It's ye tu to us din garba mein unhone ne pehna hua tha. Ye wala ye sab liya na. To mere liye kya lai hai? अहमदाबाद लॉ गार्डन से लाया, तेरे लिए मैं खुद को लाई हूँ। देखो तो सही, मतलब ये तो अच्छी स्कीम है। जो छोड़े मैं आपको ये पहनने के लिए दूंगी, तो आप ये पहन सकते। दे तो ये ले, ये कैमरा तो पकड़। यस, पहनिए आप। टूटी हो जाए हो? अगर टूटा ना तो मैं वापस आपको भेजूंगी। हाथ पति सीधा क्यों बन रहे हो? पीछे से दोस्तों एक्चुअली मैं झोक कर रहा था। पीछे से वाह 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 वाह, करूं तारी सेवा। एक्चुअली वो थोड़ा हाफ क्रैक है, ये जो हाफ नहीं फुल क्रैक है सर, लेकिन बहुत हाफ नहीं फुल क्रैक है। बाहर भागी क्या? बाहर मैं ये गेट बंद रखता हूँ, उन लोगों को बाहर चल जाएगी। नहीं बे, नहीं अब तो यहाँ खड़ी रहेगी। मैंने नया पियर्सिंग करवाया, वो दुख रहा है मेरे को। आई एम सॉरी बट तुझे पकड़ना भी जरूरी था ना। बस करो, बस कि मुझे गर्मी की बहुत याद आ रही है। एक्चुअली तू कब से बोल रहा है? लेकिन तुम बोलने नहीं दे रहे हो भाई। नमस्कार मित्रों, रेडी? आप बर्थडे के साथ रेडी हो तो हम बर्थडे ले लेते हैं, क्योंकि इन लोगों का चलते रहेगा। बिल्कुल सही काम किया होगी तूने, तो मार तो बदन जो हुआ उन्होंने। कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी नहीं, चैलेंज है। भाई बोलता है कि इन लोग का चलते रहेगा, ये भी बोल रहे। ये बर्थडे के साथ साथ एक एंगेजमेंट एनिवर्सरी है रीटा बेन की, जो उनकी बेटी ने बताया हुआ है। फिर भावेश भाई कोरड़िया का बर्थडे है, जो उसकी वाइफ पायल बेन कोरड़िया ने बोला हुआ है। और फिर उसने ये भी बोला हुआ है कि हम अच्छी अच्छी विश करें, उसका सिरामिक का कुछ अपना बिजनेस है। तो हैप्पी बर्थडे, आपका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। वाह वाह वाह, दोस्तों आज मैं डैडी के साथ ही बैठा तो नहीं था, मैं खड़ा था वो बर्थडे और एनिवर्सरी बोलने में, तो सोचा आज यहीं बैठ के बाई भी बोल देते हैं।
तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। खबर शेयरने वाली डाओ कमेंट ओके लाइक जाओ बाकी चू लेने आई बता ने चू लेने जाचू मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।